नमस्कार, सुप्रभात। आदर शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। ऑनलाइन शिक्षण में हम आज कक्षा अष्टमी संस्कृत विषय प्रथम पाठ के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 104 तक श्लोकों का अध्ययन किया था, अब आगे के श्लोकों का हम अध्ययन करेंगे। पांचवा श्लोक है, विहाय पुरुषम यो हि देवम अवलंब्यते प्रसाद सिंहवत तस्य मुदरी तिष्ठन्ति वायसा। श्लोक नंबर 6 है, पुष्प पत्र तुलस छाया मूल वल्कन दारुके धन्या मही रूपा ये सा विमुखम यान्ति न अर्थना। 7 नंबर है, चिंतनीय ही विपदा आदावेव प्रतिक्रिया न कुखन्नम वियुक्तम प्रदीप्ते वहिना गृहे। अब हम एक एक श्लोक का हिंदी द्वारा समझेंगे। विहाय पुरुषम यो हि देवम अवलंब्यते, अर्थात जो मनुष्य जो पुरुष पौरों से अपने कर्म मेहनत या पुरुषार्थ को छोड़ करके देवम एवं अवलंब्यते भाग्य का ही सहारा लेता है। देवम ने भाग्य एवं ही अवलंब्यते ने सहारा के जो मनुष्य अपने पुरुषार्थ अपनी मेहनत कर्म को छोड़ करके और भाग्य का ही सहारा लेता है, महल के सिरे के समान उसके सिर पर कौवे ही बैठा करते हैं। तस्य मुदरी तिष्ठन्ति वायसा, उसके सिर पर वायसा में कौवे ही बैठा करते हैं। प्रसाद सिंहवत महल के सिरे के समान, निके शेर अपने आप में हिंसक पशु है, उसको जीवित शेर को देख करके हर किसी को हर कोई व्यक्ति या हर कोई प्राणी है थर थर कांपने लगता है। उसको जीवित देखने पर वो अपनी मौत को निकट समझता है, लेकिन महल के आगे जो सिंह की मूर्तियां लगी हुई होती है जो महल की शोभा तो बढ़ाती है, लेकिन उस पराक्रम शेर के उस पराक्रम को शेर के उस हिंसक प्रवृत्ति को वो शून्य कर देता है। और उस सिंह से कौवे भी नहीं डरते हैं या कोई भी छोटा बड़ा जीव जंतु प्राणी है पक्षी वगैरह उससे निडर होकर के उस पर बैठते हैं। ठीक है, जो मनुष्य अपने पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है उसके सिर पर महल के सिर के समान कौवे ही बैठा करते हैं। क्योंकि हमें पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन में पुरुषार्थ उसके लिए सबसे अहम है। पुरुषार्थ से ही उसके मेहनत से ही उसका भाग्य बनता है, उसकी मेहनत से ही उसका जीवन बनता है, ना कि भाग्य के सहारे। उसी प्रकार से और जब वो भाग्य का सहारा लेता है तो महल के सिंह के समान उसकी स्थिति एक निर्जीव की तरह हो जाती है, जिस पर कौवे बैठते हैं कौवे विचरण करते हैं। आगे के श्लोक में आते हैं, पुष्प पत्र फलश्च छाया मूल वल्कन दारुके धन्या मही रूपा ये सा विमुखम यान्ति न अर्थना। जो वृक्ष है मही रूपेण वृक्ष अपने पुष्प पत्तों फल छाया मूल जड़ वल्कन छाल और दारुके लकड़ी आदि से अपने आप में धन्य है। लकड़ी आदि से संपन्न होकर के वो अपने आप में धन्य है, ये अपने आप में उस वृक्ष की शोभा है, अपने आप में वो शोभायमान है, धन्य है या इन सब से संपन्न होते हुए वो अपने आप में शोभायमान है। क्योंकि ये साल में जिसके यहाँ से अर्थेण याचक, जिसके यहाँ से किसी न किसी वस्तु की याचना करने वाला याचक है, वह कभी खाली आग में लौटना विमुखम न यानी न यहाँ आगे रहेगा,
विमुखम यान्ति न, कि वह खाली नहीं लौटता, खाली हाथ नहीं चलता, कि वृक्ष अपने संपूर्ण रूप से, वृक्ष है हर दृष्टि से, हर मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता के अनुरूप वो अपने आप में संपन्न है। किसी को फल की आवश्यकता है, किसी को पुष्प की आवश्यकता है, किसी को पत्तों की आवश्यकता है औषधि के लिए, किसी को जड़ की आवश्यकता है, किसी को छाल की आवश्यकता है, तो किसी को लकड़ी की आवश्यकता है। तो किसी न किसी आवश्यकता से, किसी न किसी इच्छा से वो वृक्ष के पास जाता है और वृक्षों में वो चीज ढूंढता है और अपने आप में ये वृक्ष उन चीजों से संपन्न है, उन चीजों से शोभायमान है। शोभायमान होते हैं धन्य है, क्योंकि जिसके याद से कोई भी याचक है, कोई भी याचना करने वाला याचक है, खाली हाथ नहीं लौटता। जैसी उसकी आवश्यकता है वह उस आवश्यकता की पूर्ति पेट के माध्यम से होती है और वृक्ष से वो वस्तु को प्राप्त करता है। उसको अपने ईश्वरीय वंदना के लिए पुष्प चाहिए, औषधि के लिए पत्ते चाहिए, खाने के लिए फल चाहिए, फल नहीं तो छाया तो मिलेगी, और भी औषधि गुणों से संपन्न है ये जड़ छाल और लकड़ियाँ, ईंधन के लिए लकड़ी, हर दृष्टि से, हर किसी न किसी उद्देश्य से जो पेड़ के पास जाता है, पेड़ उसकी आवश्यकता की पूर्ति करता है। तार पुष्प पत्ते फल छाया जड़ छाल लकड़ी आदि से ये वृक्ष धन्य है, जिसके यहाँ से कोई भी याचक, कोई याचक है, खाली हाथ नहीं लौटता है। अंतिम श्लोक को हम देखते हैं, चिंतनिया ही विपदा आदावेव प्रतिक्रिया न को खंडम युक्तम प्रदीप्ते वही ना करे। विपदा आदावेव, संकट के आने से पहले ही, विपदा के आने से पहले प्रतिक्रिया उसके उपाय को चिंतन सोच लेना चाहिए। न को खंडम युक्ते प्रदीप्ते वही ना करे, घर में आग लगने पर प्रदीप्ते वही ना करे, घर में आग लगने पर कुआ खोदना युक्ति संगत नहीं है, कुआ खोदना उचित नहीं है। अर्थात संकट के आने से पहले ही उसकी प्रतिक्रिया, उसके उपाय के बारे में सोच लेना चाहिए। किसी प्रकार की परिस्थिति, किसी प्रकार के संकट के आने से पहले ही हमें उसके प्रतिक्रिया के बारे में, उसके उपाय के बारे में सोच लेना चाहिए। घर में आग लगने पर कुआ खोदना उचित नहीं है, कि संकट के आने पर उसका उपाय करना किसी प्रकार से उचित नहीं है। संकट है, उस संकट उस पूर्ण रूप से उस विध्वंस को लेके जाएगा, उस परिस्थिति से उस विपदा अपना विध्वंस दिखा देगी, उसके बाद हम उपाय करते हैं तो कोई मतलब नहीं है। फिर वो हम विनाश से वापस सृजन की ओर, पुनः उसी जीरो से वापस उसके शुरुआत होती है। घर में आग लगे फिर कुआं खोदोगे तब तक तो घर पूरा जल जाएगा, वापस घर का नया निर्माण करना पड़ेगा। ओके, इसलिए संकट के आने से पहले ही हमें उसका उपाय सोच लेना चाहिए, ना कि घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। इसके साथ इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं आपको PDF में साथ में मिल जाएंगे, आपको गृह कार्य में इसके अभ्यास प्रश्न करने हैं, इसका निर्माण करना है। इतनी सुबह